हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेल फैमिली। मैं हूँ रूमा। आज हलो बुधवार, बुधवार है। अभी सुबह 6:30 हो गया। अभी मैं सुबह सुबह आज कैमरा ऑन किया आप लोग को कुछ दिखाने का है इसके लिए। तो पहला ही आप लोग सब कैसे हैं? तो मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग भी आइयो अच्छे ही होंगे मेरे सारे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बारिश आने वाला है तो अच्छा ही रहना चाहिए, है ना। तो देखो अभी मैं 6:30 बजे वीडियो ऑन किया और मेरा हस्बैंड गया मेरा लड़का को छोड़ने के लिए। मैं सुबह सुबह टिफिन बनाने ही हूँ, पहला लड़का को बना के दे दिया और उसको रोल बना के दिया, वेज रोल, तो वही लेके गया। अभी भिंडी का सब्जी और चपाटी बना रही हूँ मैं। अभी मैं गैलरी से ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज ठंडा ठंडा हवा है और बाहर का मौसम देखो एकदम पूरा ऐसा लगता है बारिश जैसा है, लेकिन रात को क्या सुबह पता नहीं है, शायद बारिश आके चला गया छुप छुप के, हम लोग को पता ही नहीं चला क्योंकि हम लोग सोई थी और बारिश कभी आके चला गया हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन इतना गर्मी में हम लोग को सब इतना परेशान हो गया ना, हम लोग बोलेगा तो सब लोग गर्मी में इतना परेशान हो गए। बहुत गर्मी था इस बार, इतना गर्मी आया ना पूछो ही मत, बहुत गर्मी है और बारिश का नाम भी नहीं। जून महीने से इधर को बम्बई में जून का 10 तारीख तक बारिश चालू होता है, जो भी बारिश गिरेगा कंटिन्यूसली गिरते रहेगा ऐसा है। अभी आया नहीं आया नहीं आया, जो भी आएगा ना एकदम बंद ही नहीं होएगा, तो भी ऐसा परेशान कर देगा सब पब्लिक को, किसको ऑफिस जाना, स्कूल बच्चा लोग को स्कूल जाना, सब आने का जाने का इतना तकलीफ होता है। लेकिन आज पहला दिन मैं सुबह उठ के 6:45 बजे उठ के देखते हैं तो पूरा रोड घिला घिला है, मतलब बारिश हुआ, बारिश छुप छुप के कभी आके चला गया हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा, पता भी नहीं चला ऐसा है। तो इसके लिए आप लोगों को पहला दिखाने का है। तो जब भी बहुत बारिश गिरेगा तभी वो ऐसा थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन ठंडा ठंडा होएगा। अभी मैं खाना बना रही हूँ, इतना गर्मी लग रहा है ना पूछो ही मत फ्रेंड्स, इतना गर्मी है ना बाप रे क्या बोलूँ। चपाटी बनाने के लिए जाएगा ना ऐसा लगता है पूरा पसीना पसीना, पूरा नाइटी पूरा घिल्ला हो जाता है ऐसा है। तो चलिए बाहर का नज़ारा एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। ठंडा ठंडा गैलरी में है लेकिन हवा इतना नहीं आज। देखिए बाहर का नज़ारा ऐसा पूरा लगता है बारिश जैसा आने का है, और आसमान देखो कैसा है, एक मिनट ये देखो। और वो जो आगे जो बिल्डिंग है ना, वो देखो वो आगे जो बिल्डिंग है ना एकदम आगे ब्लर आ रहा है, बराबर से नहीं दिख रहा है। वो आगे जो बिल्डिंग है ना उधर देखो धूप आ रहा है, जैसा वो नाला सुपारा का नहीं भीरर का है, भीरर का जो आगे बिल्डिंग है ना उधर धूप दिख रहा है इधर से, और हमारा इधर थोड़ा अंधेरा अंधेरा है। और तालाब का देखो हाल, तालाब ऐसा लगता है पानी भूल गया आने के लिए, देखो सूख गया पूरा तालाब, सूख गया तालाब में देखो थोड़ा भी पानी नहीं है, हम लोग को बराबर से दिखा नहीं पा रही। ये देखो तालाब में पूरा सूखेला है, पानी बिल्कुल नहीं है, देखा एकदम थोड़ा सा है, पूरा सब इधर उधर से ही वॉकिंग कर रहे तालाब के अंदर से, तालाब में पानी नहीं है। और इधर देखो अंधेरा अंधेरा है, लेकिन आगे जाके भीड़ साइड में धूप है, और रोड देखो, एक मिनट मेरा हस्बैंड, तो मेरा हस्बैंड आया इसके लिए खोल दिया। ये देखो रोड पूरा देखो घिल्ला है, दिख रहा है ना पूरा घिल्ला, इधर नेट लगा दिया ना इसके लिए बराबर वीडियो में आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखो पूरा रोड घिल्ला है, देखा बारिश चुप चुप के कभी सुबह सुबह आके चला गया तो हम लोग को पता ही नहीं चला। ये देखो उसका सब पूरा पत्रा भीगा हुआ है, बूंद बूंद गिर रहा है, मालूम नहीं मालूम पड़ रहा है क्या। ये देखो अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, देखा कैसा बारिश गिर रहा है, पूरा पत्रा पूरा घिला घिला हो गया और बूंद बूंद गिर रहा है, देखो दिख रहा है ना पूरा रोड घिला घिला है। अभी स्कूटी बाइक चला के लेके जाने का बहुत मुश्किल,
स्कूटी बाइक चला के लेके जाने का बहुत मुश्किल है क्योंकि पहला बारिश है, पूरा चिकट चिकट हो गया और उसमें फिसलता है बहुत गाड़ी। मेरा हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं। अभी मैं बना रही हूँ भिंडी का सब्जी, ये देखो भिंडी का सब्जी बनाई मैगी मसाला डाल के और आटा गूंद रही है, अभी चपाती बनाने का है। আজকে আবার বেশি গরম, এই যে বৃষ্টিটা ঝিরঝির করে পড়ছে বলে আরো বেশি গরম হচ্ছে, উৎপরীক্ষে মারাত্মক গরম। আমি নাস্তা দিয়া নাস্তা খাড়ায় দেখো অফিস জায়গা করকে। भिंडी का सब्जी और रोटी और मेरा चाय अभी हो गया, चाय देने का है। अभी नाश्ता लेके बैठ गई, देखो 10:30 हो गया, अभी नाश्ता खा रही हूँ, चाय और नाश्ता, भिंडी का सब्जी और चपाती। पायल अभी आ रही है। आज तो सुबह थोड़ा सा बारिश हुआ करके इतना सुबह चपाती बनाने का टाइम गर्मी हो रहा था, अभी एकदम झकझक चके धूप एकदम अच्छा से धूप निकल गया और हवा भी दे रहा है। सुबह तो थोड़ा एकदम हवा ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल खाली गर्मी हो रहा है तब, अभी देखो हवा दे रहा है, धूप भी आ गया और हवा भी दे रहा है। जितना बारिश होता है उतना गर्मी होता है। तो चाय लेके बैठ गई, चाय पीने के बाद क्या खाना बनाने का है वो देखना, क्या देखने का है दोपहर को। अभी भी थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा हुआ सुबह का, तो नाश्ता करने के बाद थोड़ा करेगी। बटर टॉप फ्राई हो गया और दाल रखा है, चावल रखा है इधर टोप में, चावल पक रहे हैं और ये परवल का सब्जी बनाएगा एक खसखस डाल के, जैसा पटल पोस्तो बोलता है वो पटल पोस्तो बनाएगी। पहला अच्छा से फ्राई करके लेने का, उसके बाद पूरा अच्छा से ग्रेवी बना के फिर बाद में बनाने का है। लंच में ओ अरबी का सब्जी बना रही हूँ, अरबी और बटाटो, ये जो अरबी बटाटो का सब्जी, इधर चौली का एक सब्जी बनेगा और परवल का एक सब्जी और बटाटा फ्राई दाल, तो खट्टा दाल बनाएगी आज इमली दाल से, क्योंकि वो अरबी का जो सब्जी है ना उसका साथ खट्टा दाल बहुत ऐसा उसमें मैचिंग होता है, कॉम्बिनेशन उसका अच्छा है, तो वही बनाएगी आज, क्योंकि मसूर का दाल थोड़ा कम था उसके साथ मूंग का दाल मिक्स करके ये बना रही हूँ, खट्टा दाल बनाएगी।
पायल थोड़ा नीचे गई। तो चलिए फटाफट सब काम कर लेती हूँ, बाद में आप लोग का साथ मिलती हूँ, नहीं तो और भी लेट हो जाएगा। रूपम आने का टाइम हो गया, 1 बजने को है। पटल पोस्त तो बनाने के लिए देखो, अभी मैं कांदा फ्राई करके लिया, राई तेल दिया इसमें, और राई तेल में कांदा फ्राई करके लिया, इसमें मिर्ची और हल्दी दे दिया, अभी जो खसखस पीस के रखी वो दे देगी। अभी इसको अच्छा से एकदम फ्राई करेगी, जैसा थोड़ा फ्राई अच्छा से फ्राई हो जाए, बाद में ये जो पटल फ्राई करके रखा ये डाल देगी। इसमें नमक में दे दिया, कांदा फ्राई करने का टाइम ही नमक दे दिया था, और थोड़ा खसखस में थोड़ा पानी ज़्यादा था, इसके लिए इसको अच्छा से थोड़ा सा फ्राई करके लेने का, नहीं तो खसखस का जो काचा स्मेल है ना वो अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए। और ये राई तेल से ही बनाने का, इसमें दूसरा सादा तेल में अच्छा नहीं लगता, ये राई तेल में ही अच्छा लगता है बनाएगा। तो तब तक ये फ्राई करके लेती हूँ मैं। खसखस का ग्रेवी था वो थोड़ा उबल आ गया, तो इसमें मैं पटल जो फ्राई करके रखा था ये डाल देगी। अभी इसको अच्छा से थोड़ा सा पकने देगी, क्योंकि फ्राई करके रखा था वो पक गया था थोड़ा टाइम। फ्रेंड्स, आसमान देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लगता है बारिश अभी आ जाएगा, पूरा अंधेरा अंधेरा कर। ये अभी मैं शाम को आपको दिखा रही हूँ, आप लोग को शाम का आसमान देखो इतना नज़ारा अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लगता है पूरा बारिश आ जाएगा अभी, और देखने में सुंदर है, हवा भी बहुत दे रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। अभी अगरबत्ती लगाने का है, अगरबत्ती लगाऊंगी तो शाम को गैलरी में खड़ी है, कोई खड़ी रह के देख रही है, और आप लोग को याद आ गया आप लोग को दिखाने के लिए, चलिए आप लोग भी देख लीजिए एक झलक। দোলে রাই কিশোরি দোলে রাজ বিহারি ছুরং দোলায় রাজার। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। আবি মেরা আগরবাতি সব লাগা কে হো গয়া, শাম কো আবি বাপ রে বহুত টাইম হো গয়া, 8:15 হো গয়া, আগরবাতি লাগা কে হো গয়া সব, বহুত টাইম হো গয়া, আধা ঘন্টা কে উপর হো গয়া, 7:30 বাজে। তো ইতনা গরমি হো রাই, ইতনা গরমি হো রাই, आज तो मतलब एकदम झाड़ का पत्ती भी नहीं हिल रहा है एक भी, इतना गर्मी हो रहा है ना, बाप रे क्या बोलूँ। अभी देखो आज गोपाल को झूला पे बिठाई, ये देखो बहुत दिन का बाद गोपाल झूला पे बैठा, उसको मन किया आज झूला पे बैठने के लिए, तो झूला पे बैठा ही। पायल अभी तक आई नहीं, उसका पापा भी आया नहीं, मेरे को चाय पीने को भी नहीं मन कर रहा है, इतना गर्मी हो रहा है ना शाम से, आज थोड़ा सा सुबह बारिश गिरा इसके वजह से इतना गर्मी हो रहा है ना, आज पूरा हाल खराब कर दिया, ऐसा हो गया, बहुत गर्मी हो रहा है। अभी थोड़ा बर्तन था वो कर दिया, थोड़ा मोड़ी में बर्तन है, वो 2-4 बर्तन है वो घिसेगी, पहला चावल भिगाई, चावल भिगा के रखी थी, ये उड़द दाल और ये चावल भिगा के रखी, क्योंकि अभी जो रूपम का स्कूल चालू हो गया, सुबह नाश्ता देने का है ना, तो कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, रोज का चपाती भी अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए मैं सोचा थोड़ा ये भिगा के रखती हूँ, चावल दाल भिगा के रखती, तो पीस के रखेगी उसको, डोसा नहीं तो उत्थापा कुछ भी रोज ऐसा बना के देगा, तो नाश्ता में कुछ टेंशन नहीं है।
इसका वजह से भीगा के रखी। ये पीस के लेता है पहला चावल है ना, ये टुकड़ा वाला चावल, ये बहुत अच्छा है चावल, इसमें इडली डोसा अच्छा बनता है टुकड़ा चावल में। साबुदाना बचा हुआ था उसी दिन ज्यादा हो गया था, वही था आज फ्राई कर रही हूँ। और इधर ये उड़ीद दाल जो पीसा था ना डोसा के लिए, तो थोड़ा सा बैटर रख दिया, वही अभी मेहंदी वाला बनाएंगे। तो नाश्ता के लिए यही बना रही हूँ, साबुदाना का बड़ा। तो एकादशी में कुछ मसाला डालने को नहीं होता है, आज का इसमें थोड़ा मसाला डाल के और टमाटर सॉस के साथ खाएंगे। तो चलिए बना लेती हूँ। अभी देखो उड़ीद दाल का जो बड़ा है वो बना रही हूँ, एकदम फूगा फूगा बहुत अच्छा बन रहा है। देखो थोड़ा तेल ज़्यादा होता था ना और भी ऐसा फूकता था, चलेगा। तो अभी थोड़ा सा ही बैटर था वही उसमें ही बना रही हूँ, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है तो कल का वीडियो एंड नहीं किया, आज इसके लिए सुबह फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोग कैसी है, आई होप अच्छी होंगे, मैं तो अच्छी हूँ। अभी सुबह नाश्ता बनाते बनाते आप लोग का साथ वीडियो स्टार्ट किया। तो आज का नाश्ता में क्या है देखो, तो उत्तपा बना रही हूँ और डोसा, चाय इधर रखा है। ये देखिए चाय बना रही हूँ, इधर चाय रखी है और इधर छोटा छोटा मैं उत्थापा बना रही हूँ और डोसा बनाई। तो नाश्ता आज यही है, कल आप लोग को दिखाई चावल पीसा के रखी, चावल इतना फूगा था ना, पूरा जितना बार ढाकन लगा के रख रही हूँ ना उतना बार ही लादी पे गिर रहा है, इतना आटा फूक रहा था। तो मेरा लड़का को सुबह बना के दिया था तो वही रख दिया, अभी हम लोग को नाश्ता के लिए थोड़ा बना रही हूँ। सब्जी डाला, टमाटो और गाजर, फिर शिमला मिर्ची, कांदा सब डाल के उत्थापा बना रही हूँ। तो छोटा छोटा देखने में कितना सुंदर देखो, और आटा इतना फूल के पूरा हवा एकदम पूरा हल्का हो गया। अभी सुबह फिर ये टोप में निकल के रखी थी, ये टोप में भी देखो नीचे गिरा। तो ऐसा अच्छा अच्छा डोसा और उत्तपा आज का नाश्ता। तो आज तो गुरुवार है, अभी पूजा भी करना है, ना के पूजा करेगी, सुबह एक बार पूजा करके हो गया, अभी पूजा करेगी। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है, फिर और एक नया वीडियो के साथ आप लोग का मिलती हूँ, फिर तब तक के लिए टाटा बाय बाय।